हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका कुक विद फूडीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पालक पनीर की भुर्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है, और एक बार आप इसको खा लेंगे तो दोबारा फिर इसको बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पालक पनीर की भुर्जी बनाना। पालक पनीर की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप जो सा भी ऑयल खाते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो इसमें 1 बड़ा चम्मच हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं कि थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और इसी समय हम 2 मीडियम साइज के प्याज हैं उनको बिल्कुल बारीक काट लिया है, उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा भुन गया है और बहुत प्यारा सा कलर है। और इसी समय हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरी थोड़ी तीखी कम थी इसलिए हमने 2 डाली हैं। और इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए, प्याज हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। और इसी समय हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम डालेंगे, थोड़ी तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर है वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना, ये सब हमें बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। अब इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच ये रोस्टेड चना मिलता है वो लिया है और इसका बारीक पाउडर बना लिया है, वो 1 बड़ा चम्मच हम इसका चने का पाउडर डाल देंगे। इसकी जगह आप बेसन भी 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन बेसन को आप भून के डालिएगा, कच्चा मत डालिएगा। और इसको भी भून लेते हैं थोड़ा सा। और इसी समय हम 4 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी है वो हम डाल देंगे। ये हमने 3 टमाटर की बनाई थी प्यूरी जो हमारी 4 बड़े चम्मच बन के तैयार हुई है, और इसको भी हम भूनेंगे थोड़ा सा। और इसमें 3 बड़े चम्मच फ्रेश दही है उसको डाल देंगे हम इसमें और इसको लगातार चला लेंगे जिससे हमारा दही फटे नहीं बिल्कुल भी और अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अब इस समय हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सब हमें सिम फ्लेम पे करना है। अब इसको हम ढक के थोड़ा सा भूनेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। और इसी समय हम कि 200 ग्राम हमने पालक ली थी उसको खूब अच्छे से धो के और बारीक काट लिया था वो इसमें हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पालक है तो हमारी पनीर हेल्दी भी हो जाएगी। बहुत से बच्चे पालक नहीं खाना चाहते हैं, तो आप उनके खाने में इस तरह से आप पालक दे सकते हैं। अब इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक भी अभी अपना पानी छोड़ेगी। और इसको ढक के हम 2-3 मिनट और पका लेते हैं जिससे पालक हमारी अच्छे से पक जाए। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं और इसको खोल के हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी पालक खूब अच्छे से गल गई है, पालक ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इसी समय हमने ये 300 ग्राम पनीर ली है, इसको क्रम्बल कर लिया है और इसको इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2-3 मिनट तक हम बिल्कुल बस ऐसे ही चलाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 1 से 2 मिनट तक चलाइए। और इसमें 1/2 छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इसका बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारी पालक पनीर की भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमारी पालक पनीर की भुर्जी बिल्कुल रेडी है। इसको हम गर्मा गर्म रोटी है, पराठे या राइस आप किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी पालक पनीर भुर्जी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों आप मुझको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।